हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज चैप्टर 4 का शब्द चिन्ह पढ़ाने जा रहे हैं, जो स्पीड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई वोवल्स पुट नहीं होता है, सिर्फ इनके सिंबल को आपको लिख लिख करके प्रैक्टिस करके याद करना होता है। बस ये ध्यान देना है कि लाइन पे बनता है, लाइन पर बनता है, डार्क बनता है, लाइट बनता है, ये इसका पहचान है सबसे बड़ा। और ये स्पीड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए एक एक वर्ड की कम से कम 5 या 6 लाइन प्रैक्टिस करें बोल बोल के, ताकि आपकी स्पीड को इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले और आपकी गति में बहुत ही फ़ायदा करता है ये शब्द चिन्ह, जिसे हम इम्पोर्टेंट सिंबल बोलते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा आ। जिस वर्ड में आ आएगा, वो अब यहाँ पे देखना ये है कि आ को आपको बनाना कहाँ है। छोटा बनेगा, डार्क बनेगा, ये लाइन है, लाइन से ऊपर बनेगा, लेकिन हाफ बनेगा किसी भी स्ट्रोक का। जैसे ग है तो उसका हाफ बना दे रहा है। मैं और मुझ, तीनों की आउटलाइन एक ही है, जो आपको ध्यान देना है लाइन से ऊपर बनेगा और डार्क में बनेगा। फिर आता है की और की, यानी छोटा और बड़ा, दोनों का सेम आउटलाइन है, आपको ये याद रखना है। फिर आता है ने। ने के लिए आपको बनाना क्या है, इनकी जो आउटलाइन है बस सिंपल ऐसे बना देना है। अतः के लिए त ह, ये त बना के दो बिंदु लगा देना है। अब के लिए ब बनाना है, ये इसे डार्क में लाइन से टच करके। चाहता, चाहते, चाहती, जब भी आएगा तो एक ही सिंबल बनेगा च, जो लाइन से ऐसे टच हो। पिछला, पिछले, पिछली, इसमें आपको क्या करना है, जो सिंपल छ है इसको काट देना है। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं जाता, जाती, जैसा कि बोर्ड पे है, ज का साउंड है तो सिर्फ ज बना देना है, लाइन से ऊपर बनाना है ऐसे, क्योंकि आ का साउंड है। आता, आते में त बना देना है, ऊपर बनेगा लाइन से। था, थे, थी, आ, ये था है और इसमें ऐसे क्रॉस कर देना है। आदि, यदि, सिर्फ द बनाना है, एबव द लाइन, लाइन से ऊपर बनाना है, दोनों की आउट लाइन सेम है। काफ़ी के लिए फ बना देना है ऐसे, एबव द लाइन। आशा, शांति, जो दोनों के लिए आपको श बना देना है, एबव द लाइन। कब्जा, कब्जे, कब्जे, तीनों की आउटलाइन सेम है। ज, ये डार्क वाला बनाना है, कर वाला। चिट्ठी में सिंपल ट बना देना है लाइन से टच करके। न, इन, इतना, तीनों की आउटलाइन सेम है, जैसा कि लेटर से ही पता चल रहा है न है तो न ऐसे बना देना है। महोदय और महा, ये आपको लाइन से ऊपर बना देना है डार्क में। आएंगे, आएंगी, दोनों की एक ही आउटलाइन है, लेकिन बनाना क्या है, इंग, ये ग है जो अड़ा के नाम से जानते हैं, तो ये इसमें होता है। इन्हें, इन्हें की आउटलाइन आपको क्या करना है, जैसा कि न और ह का कॉम्बिनेशन है तो न ऐसे बन गया और ह के लिए ऐसे नीचे जोड़ देना है। इन्हें, क्या, किया, किए, तीनों की आउटलाइन एक ही है, इसमें सिर्फ क बना देना है लाइन से ऊपर, आप देख सकते हैं। ऐसा, ऐसी, ऐसी,
इस तरह के जो भी वर्ड किसी भी वर्ड में स आएगा, से सी, तो बस साउंड के अकॉर्डिंग आपने स बनाया है ये बना देना। अथवा और वहाँ दोनों की साउंड व का बनाना है बस सिंपल। या वे किसी वर्ड में आते हैं साउंड के तौर पे, तो इनका य अक्षर बना देना है। तथा, तथा के लिए सिंपल है, त और थ कैसे काट देना है। पहला, पहले, पहली, या लाभ या लड़का, तीनों के लिए ल का शब्द बनाना है। जो ल लेटर है वही बनाना है आपको, लेकिन लाइन से ऊपर। का, अब देखिए का छोटा सा है लेकिन लाइट बनाना है, वो भी हाफ ऐसे। है के लिए बिंदी है छोटा सा, जो लाइन से ऊपर ऐसे बना दीजिए। आएगा, आएंगी, आएगा एक ही है, जो सिर्फ ग है जो लाइन से ऊपर है। तो आप देख सकते हैं कि शब्द चिन्ह जो है इनका एक सिंबल फिक किया हुआ है। आपको बस इसमें डार्क लाइट का ध्यान रखना है, लाइन के ऊपर ध्यान देना है, लाइन पर है कहाँ है। आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न या मिस्टेक नज़र आए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसका मिस्टेक को हम बताएँगे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।